लिए आप लोगों के सामने काउंसिल ने सेकेंड फेज नोटिस के रूप में दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि आपका इस साल 2021 में एचएस जो देने वाले हैं उनका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो कि आप लोग इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट का नाम क्या दिया हुआ है, हिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले ऊपर वाले में देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पैटर्न फॉर द एग्जामिनेशन एचएस एग्जामिनेशन 2021 सेकंड फेज। अब फर्स्ट फेज कौन सा था, हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बना चुका है, तो एक बार थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। ये 25 तारीख को एक नोटिस हुआ था, फर्स्ट फेज पकड़ लेते हैं उसको। उसमें कहा गया था कि 30-35% आपका सिलेबस कम हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री जो उसी के साथ एक फाइल लगा हुआ था, जिसमें हर सब्जेक्ट का दिया हुआ था कि कौन से टॉपिक बात जाने वाले हैं। तो तीन टॉपिक आपके यहाँ बात जाने वाले थे, यहाँ पर नाम आप देख सकते हैं, और वो तीन जो टॉपिक था वो कौन कौन सा था वो भी हम लोगों ने देखा था। टोटल 8 लेसन है आपके, जिसमें से रेड कलर जो किया हुआ है आपका लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8, ये बात चला गया। तो बचे 5 लेसन। अब इसी 5 लेसन के ऊपर में काउंसिल ने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन पैटर्न रखा है, जिसको आपको फॉलो करके इस साल की एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसमें आप देखेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 लेसन पढ़ने। पहले 8 था, अभी कितने पढ़ने, 5 पढ़ने। अब आते हैं हम लोग कि जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसी को बेस करके हम लोग समझेंगे कि इस साल की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो चलिए पहले तो बात कर लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन आता है आपका 80 मार्क्स का, 20 नंबर तो आपका प्रोजेक्ट में हो चुका है। 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो दो भाग में रहता है, एक रहता है पार्ट ए, एक रहेगा आपका पार्ट ए और एक रहेगा पार्ट बी। पहले हम लोग पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में 40 मार्क्स का रहेगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला, जिसमें कहा जाता है LAQ, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई DAQ डिस्क्रिप्टिव बोलता है, कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोलता है, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। आते हैं नंबर पे, हमें तो नंबर से लेना है। तो 8 × 5, 5 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स हो गया। ये 40 मार्क्स के लिए आप लोगों को पढ़ना कैसे था, पहले कैसे पढ़ना था और अब कैसे पढ़ना है, उस पर ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ आ जाते हैं, आपको जो चेंजेस हुआ है वो क्या चेंजेस है। ये फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा PDF का, आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हम लोग LAQ, सिर्फ LAQ की बात करेंगे, दूसरा की नहीं। तो इसके पहले नियम क्या था आपका कि 4 लेसन शुरू के आपको 4 लेसन जो थे वो ग्रुप ए में रखा जाता था, इसको चलो हम LAQ तक ही रख लेते हैं, और फिर बाद के जो 4 लेसन थे उसको ग्रुप बी में रखा जाता है, LAQ में रख लेते हैं। अब ग्रुप ए में 4 चैप्टर थे कह रहा हूं, क्योंकि अभी एक चैप्टर नहीं रहा, आप जो ग्रे कलर से देख रहे हैं वो चैप्टर अब बाद चला गया है। पहले 4 चैप्टर था, चारों से एक एक करके क्वेश्चन आता था। फिर बाद के जो ग्रुप बी है, 5 नंबर लेसन से लेकर 8 नंबर लेसन तक वो ग्रुप बी में है, वहां से भी 4 क्वेश्चन आते थे एक एक करके। आपको 2 क्वेश्चन ग्रुप ए से करना था, कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते थे, फिर ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन करना था, कोई भी कर सकते थे। अब इस साल क्वेश्चन कैसे आएगा वो देख लीजिए, आप यहाँ पीला कलर का डब्बा में देख सकते हैं, आप ये 2021 में जो आएगा उसमें LAQ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। 4 क्वेश्चन फ्रॉम 3 चैप्टर्स लेसन नंबर 1, 3, 4, एक्चुअली मैंने वहां लिख दिया है एक्स्ट्रा करके लेसन नंबर 1, 3, 4, क्योंकि 2 नंबर लेसन तो है नहीं यहाँ पर। तो थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि जो काउंसिल ने दिया है वो कैसे दिया है। आप देखेंगे यहाँ पर कि ग्रुप 1 4 क्वेश्चन फ्रॉम 3 चैप्टर्स। अब ये 3 चैप्टर कौन कौन से हैं, 3 चैप्टर जो है आपका है लेसन नंबर 1, पहला है आपका लेसन नंबर 1, फिर लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4। तो याद रखिए आपका ये 3 लेसन से 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी करना होगा। क्लियर हो गया, यानी 2 नंबर लेसन अब नहीं पढ़ना है LAQ के लिए। 5 नंबर से लेके 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, आप देखेंगे कि 7 और 8 यहां ग्रे कलर से दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली है ये बात चला गया है। तो बचा 2 ही चैप्टर। आप देखेंगे यहां पर, यहां लिखा हुआ है कि 4 क्वेश्चन फ्रॉम, गलत लिख दिया गया है यहां पर, ये 4 क्वेश्चन फ्रॉम 2 लेसन होगा, 2 चैप्टर्स होगा, कौन कौन सा, लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6। तो लेसन नंबर 5 आप देखेंगे ये और 6, इससे 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, 6 से 2 क्वेश्चन आएगा, आपको कोई 2 अटेम्प्ट करना है मिनिमम। ये हो गया आपका। अब कोई भी एक क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं, जैसा कि नियम है ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन, ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो
समझ गए LAQ कैसे करके आएगा। पहले जो 1, 3, 4 एक ग्रुप है, 5, 6 एक ग्रुप है, तो आपको सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। आप 5 ही चैप्टर है तो अच्छे से पढ़िए उसको। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पे, दूसरा कौन है, ग्रुप पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए हम लोग थोड़ा ध्यान दे देते हैं, पार्ट बी में क्वेश्चन कैसे आएगा। पार्ट बी के लिए 40 मार्क्स। पार्ट बी क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट होता है। आपको क्वेश्चन दिया रहता है, उसी के नीचे आपको आंसर लिखना पड़ता है। अगर MCQ है तो एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे A, B, C, D, और साइड में एक डब्बा रहेगा दाहिने साइड में, जिसमें आपको A, B, C या D वहां लिख देना है, यानी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट हो गया। और दूसरा क्वेश्चन होता है आपका SAQ, यानी ये वाला SAQ के लिए क्या होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक नंबर के लिए क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन रहता है, नीचे में आपको जगह दिया रहता है, क्वेश्चन पढ़िए, उसका जवाब नीचे में लिखिए, आपका अपना जो लैंग्वेज है उसमें लिखेंगे। तीन तरफ के क्वेश्चन आते हैं जनरली, आपका हिंदी, इंग्लिश और बंगाली मीडियम में। अब MCQ का और SAQ का देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस बार क्वेश्चन आएगा, मतलब कौन से टॉपिक से बात चला गया है और कौन सा टॉपिक आने वाला है। चलिए, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्कस करेंगे MCQ का। चलिए MCQ का देख लेते हैं। रिमेम्बरिंग द पास्ट, पहले MCQ आता था 2, अब आएंगे कितना, 4। आपका ये जो ये वाला है ना, ये 2021 में आने वाला भाग है, और जो 2020 तक आता था वो उस तब दिया हुआ है। तो 2 क्वेश्चन आते थे, अब कितने आएंगे, 4। ठीक है, यहां पर देखिए 2 नंबर लेसन में 2 क्वेश्चन आते थे, पर इस बार नहीं आएगा। ठीक है, अब लेसन नंबर 3 में देखिए कि 3 क्वेश्चन आते थे, अभी भी 3 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, लेसन नंबर 4 में आपको 3 क्वेश्चन आते थे, अब कितने आएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे। बस क्वेश्चन का मान, मतलब ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इतना ही है। तो लेसन नंबर 5 में आते हैं, 3 क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी भी आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेसन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपका सब चैप्टर में से क्वेश्चन का नंबर है बढ़ा दिया गया है। क्लियर हुआ, तो कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा MCQ के लिए, वो समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग SAQ पे। SAQ यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएंगे। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखिए, ये 16 नंबर का आता है, 16 अलग अलग चैप्टर से आता है, मतलब क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। रिमेम्बरिंग द पास्ट में देखिए कि पहले भी ये क्वेश्चन नहीं आता था, यानी पहले भी नहीं आता था और अब भी नहीं आएगा, तो हो गया क्लियर। 2 नंबर लेसन से ये आता था लेकिन अब नहीं आएगा। अब देखिए 3 नंबर लेसन से 2 क्वेश्चन आते थे, कितने क्वेश्चन आते थे, 2 क्वेश्चन आते थे 3 नंबर लेसन से, 2 क्वेश्चन आते थे, अब क्वेश्चन कितने आएंगे, 7। तो थोड़ा वो ध्यान लगा के देखना पड़ेगा कि वो SAQ के लिए ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहां से। उसके बाद आप देखेंगे 4 नंबर लेसन में आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब कितने पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लेसन नंबर 5 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब कितने पूछे जाएंगे, 6 पूछे जाएंगे। और लेसन नंबर 6 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब कितने पूछे जाएंगे, 5 पूछे जाएंगे। यहाँ पे टॉपिक तो वही सब रहेगा, क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना, मतलब ज्यादा आपको ध्यान देना है कि ये वाला चैप्टर से SAQ ज्यादा करके आ रहा है। पढ़ाई तो सभी में करना, बस ये जानना था कि आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो कहाँ कहाँ से कैसे आएगा। अब क्लियर हो गया है, जैसे ही काउंसिल ने दिया है कि अब इस तरह से क्वेश्चन आएगा, सभी क्लियर हो गए कि 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। दूसरी बात क्लियर हो गया कि कौन सा चैप्टर से कौन कितने कितने मार्क्स का आएगा, तो हम लोग तैयारी भी उसी तरीके से करेंगे। ये फाइल आप लोगों को एप्लीकेशन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत आप क्लियर हैं कि आप एग्जाम कैसे देंगे। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।